नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, शुरू कीजिए। जी सर। सर, मेरी ड्यूटी स्कूल्स की इंस्पेक्शन के लिए लगाई गई है और मैं करीब 11 स्कूल में अभी तक गया हूँ। सर, स्कूल्स की हालत ऐसी है कि अगर मैं लफ्ज़ों में बयां करूँ तो लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। सर, मिड डे मील के नाम पे बच्चों को खाना तो ठीक से नहीं मिलता, पर उनसे काम करवाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों से सर सिलेंडर उठवाए जाते हैं। सर, कुछ स्कूल्स में टीचर क्लासरूम में सो रहे हैं और जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ पर टीचर्स को एप्पल और मैंगो की स्पेलिंग्स ठीक से नहीं आती और बच्चे बड़ी खुशी खुशी वो गलत स्पेलिंग्स पढ़ रहे हैं। सर सर, किसी भी स्टेट या नेशन की तरक्की एजुकेशन से होती है। कल को यही बच्चे IAS ऑफिसर, डॉक्टर, पायलट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं सर, पर हम उन्हें बनने कहाँ दे रहे हैं। सर, स्याला में एक स्कूल है, उधर के एक टीचर हैं जो पीर साहब हैं, उनकी काफ़ी पीरी फकीरी चलती है सर। सर, वो स्कूल नहीं आते क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। सर, इन सब चीज़ों पे क्या आप एक्शन लेंगे ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बस मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे कि आप मुझे स्याला के उस स्कूल में अपॉइंट करें। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, डिसअपॉइंट नहीं करूँगा सर। सर, आपको प्रोग्रेस दिखेगी। हमें सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी। अरे सर, आप क्यों, मैं करता हूँ सफाई, आप तो टीचर हो। नहीं, हम करेंगे। हो गया वैसे। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ठीक है, कल आना। हाँ सर, ठीक है सर। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी पता चला कि स्कूल फिर से खुल चुका, सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ। आप ही स्कूल के टीचर हो? जी। और आप? बस मैं भी कभी कभी स्कूल में पढ़ाया करता था। अच्छा, आप भी टीचर हैं? नहीं नहीं, मैं कहाँ टीचर, बस एक मैडम जी थी पहले यहाँ पे, बहुत नेक दिल औरत थी, 5 वक्त नमाजी, अल्लाह वाली कुरान तिलावत हमेशा। उनके शोर बड़े अफसर थे इसलिए आना जाना मुश्किल हो जाता था। मैं ही पढ़ा लिया करता था फिर स्कूल में बच्चों को, उनकी ट्रांसफ़र हो गई और अब मैं गाड़ी चलाने लगा हूँ किसी की। एक बात बोलूँ सर, स्कूल को बंद मत होने देना। इस गांव में एक ही स्कूल है। डोंट वरी, अब बंद नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, वो एक पीर साहब थे ना जो स्कूल के टीचर हैं, उनका एड्रेस पता है कुछ? اتھی نیبر زنان مہنو اقبیت دپس راتھ شانتس تھاون خدا کری خیر انشاءاللہ۔ جی حکم۔ ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسکول میں بچے کافی زیادہ ہیں اور اکیلے میں اتنی ساری کلاسز کو پڑھا نہیں سکتا، تو اگر آپ آ جاتے اسکول کل سے تو بہتر ہوتا۔ ہو چکے آئے کر نیر دفعہ بیوقوف انسان۔ جی، کیا فرما رہے تھے آپ؟ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ اگر کل سے آپ بھی آ جاتے اسکول تو بہتر ہوتا۔ تو آپ ٹیچر ہیں کیا؟ جی ٹیچر۔ ये कौन से स्कूल में? सर, एक ही तो स्कूल है गांव में। अच्छा अच्छा, वहाँ तो मैं पिछले 4 साल से हूँ, दुनिया भर के बच्चे मैंने पढ़ाए वहाँ पे। तो ठीक है सर, कल से भी आ जाइए। कल से तो मुश्किल है, चलो मैं देखता हूँ अपने हिसाब से। सर, कल सुबह 9 बजे क्लास है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा सर। सलाम। وعلیکم زیڈیو صاحب، کیا حال ہے؟ حکم کیا جی، ایک عرض ہے چھوٹی سی۔ یہاں ایک نیا ٹیچر آیا، وہ RTA یا پرماننٹ ہے؟ ایسے آیا تھا کل میرے گھر پہ، کوئی عجیب جی باتیں کر رہا تھا، میں نے سوچا آپ کے کانوں تک بات پہنچا دوں۔
हाँ जी जी जी, हमारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो आज मेरा क्लास में पहला दिन है, इसलिए आपके लिए कुछ टॉफीज लाया हूँ। पढ़ाई शुरू करें। ऐसे थोड़ी ना होती है पढ़ाई। ये किताबों की कहानियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, पर इंटरेस्टिंग तो फिल्में भी होती हैं। फिर क्यों हमें फिल्मों की कहानियां याद रहती हैं और किताबों की कहानियां याद नहीं रहती? सोचा है कभी? नहीं। वो इसलिए क्योंकि एक फोबिया होता है हमारे दिमाग में। फोबिया समझते हो? डर कि किताब है, पता नहीं कितनी मुश्किल होगी, हम कर पाएंगे कि नहीं। मगर आज के बाद किताबों का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं किताबों की कहानियों को फिल्म की तरह सुनाऊंगा। तो आज की कहानी है शेर और चूहा। ज़ेब्रा, आज तक ज़ेब्रा नहीं आता। अजमत, पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? सर, एम ए इन हिस्ट्री की है जम्मू यूनिवर्सिटी से। अरे वाह, वेरी नाइस। क्या नाइस सर, हमें करने के बावजूद भी इसी गाड़ी चला रहा हूँ, और यहाँ पे ट्वेल्थ किए हुए लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। अच्छा चलो, छोड़िए सर, चाय पियेंगे? ये बड़ी अच्छी चाय बनती है, और कश्मीरी कुलचे भी। कहाँ पर? नहीं, यहाँ पर। चलिए चलो। भाईजान, दो चाय देना और कश्मीरी कुलचे। सर, आप जम्मू में डोगरी लैंग्वेज बोलते हो ना? हाँ, डोगरी बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छी पहाड़ी बोलता हूँ। अच्छा, पहाड़ी बोलते हो? बेसिकली हम पुंछ से हैं। अच्छा। जब हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे तो हम जम्मू सेटल हो गए, मैं काफ़ी छोटा था। तो सुनील। हाँ सर। लाइट का क्या मैटर है यार, कल से मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। हाँ सर, लाइट की दिक्कत है। गवर्नमेंट की तरफ से सुना था कि कुछ सोलर लाइट्स आने वाली हैं, आई नहीं। चल चाय पिला दे यार। जी सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पीर साहब कैसे हैं? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। शेर साहब, एक बात बोलूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? जी बोलिए। देखिए, हमारी कोई आपस में ज़्यादा दुश्मनी तो है नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर इस तरह के कपड़े पहन के आप स्कूल आएंगे, बच्चों से फिल्मों की बातें करेंगे, आपको नहीं लगता कि इससे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा कल को? क्योंकि हम तो बड़े हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, जैसा हम करेंगे बच्चे भी कल को वैसा ही करेंगे। पीर साहब, हाँ जी, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि जो आज मेरे सवालों का जवाब नहीं देगा उसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, किसका फेवरेट? हाँ, और जो सही जवाब देगा उसे क्या मिलेगा? चॉकलेट्स। यस। हेलो बेटा, क्या हो, क्या नाम है आपका? आप ठीक तो हो? खुश तो नहीं लग रहे आप? इंजॉय करो स्टडी को। जाओ बैठ। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पीर साहब, लंच करेंगे? शुएब साहब, कल की बात का बुरा मत मानना आप, वो तो ऐसे मेरे दिमाग में आया और कह दिया मैं। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं पीर साहब। वैसे बच्चों को पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बच्चों को डराना धमकाना पड़ता है तभी जाके बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे तो बच्चे सर पे बैठ जाते हैं। खाइए ना। करो बिस्मिल्ला। पीर साहब, ऐसा है कि हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। अभी पानी का ग्लास ले लीजिए, कोई कहेगा कि आधा खाली है और कोई कहेगा कि आधा भरा हो, आप क्या कहेंगे? खाना खाइए। एक बात बोलो सर, आपको बच्चों से बहुत प्यार है ना? हाँ बहुत। जब मैं छोटा था ना, करीब 4 साल का, तो हम ना स्कूल स्कूल खेलते थे, जैसे लड़कियां घर घर खेलती हैं ना वैसे ही। तो मैं क्या करता था, मोहल्ले के सारे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें टॉफीज़ देता था रिश्वत, और रिश्वत दे के मैं टीचर बनता था, उनको स्टूडेंट बना देता था। तब मेरे घर वालों को लगता था कि अभी मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊँगा तब पता चलेगा कि मुझे क्या बनना है। फिर मैं बड़ा हो गया, अब इतने साल हो गए, पर वो 4 साल का बच्चा मेरे अंदर से अभी तक गया नहीं। पता है, बच्चे दुनिया की सबसे खूबसूरत इंस्पिरेशन होते हैं। जब तुम एक बच्चे से पूछोगे ना तुम्हें क्या बनना है, कभी डरेंगे नहीं। वो सच बोलेंगे कि मुझे प्लेन उड़ाना है, मुझे ट्रेन चलानी है, मुझे ड्राइवर बनना है, एक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी पूछो उनसे। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है ना, उसकी सोच लिमिटेड होने लगती है, डरने लगता है वो, फिर वो रोबोट बन जाता है। मेरे पापा आर्मी में थे, उनने मुझे कभी रोबोट बन के जीना नहीं सिखाया। इतने सारे टिफिन्स किसके हैं? सर सुबह बच्चों की माया आई थी, कह रही थी कि सर को कहना कि अब टिफिन हमारी तरफ से होगा। इतने सारे टिफिन्स मैं खाऊंगा? चलो तुम भी खा लेना साथ में। चलो अभी घंटी बजाओ, क्लास लगाओ। जी सर। कल की हमारे जो सब्जेक्ट था वो था आखिरी रास्ता, और आज बेटा देख के खेला करो, कहीं गिर गए, चोट वोट लगी तो फिर उठ जाओ, उठ जाओ तो। चलो जाओ क्लास में। वेरी गुड। शुएब साहब, आप भी क्या बगार में पड़ गए, 30-35 हज़ार सैलरी लेते हो, किस्तों पे गाड़ी मिलती है, गाड़ी ले लो, एंजॉय करो, जवानी खिलखिलाओ, क्या छोटे छोटे बच्चों के नौकर बन गए हो, गंदे गंदे बच्चों के नौकर बन गए तुम।
गाड़ी भी ले लेंगे पीर साहब। चलिए क्लास का टाइम है, फिलहाल क्लास में चलते हैं। शौक से। सर आपने इसी को बुलाया था? हाँ आ जाओ बेटा। सुनील तुम जाओ, आ जाओ आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? कोई प्रॉब्लम है? किसी ने डांटा, किसी ने कुछ कहा? पढ़ाई में मन नहीं लगता? देखो बेटा, ये जो खुशियाँ होती हैं ना, इतनी आसानी से नहीं मिलती। बचपन में ही नसीब होती हैं खुशियाँ। हर मोमेंट को एंजॉय करो, खुश हो। यहाँ सब तुम्हारे दोस्त हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरा नाम रेहाना है। मेरी माई का इंतकाल हो गया। पकड़ के दिखाओगी? हाँ पकड़ो पकड़ो। अरे वाह, तुमने तो सही पकड़ लिया। चला रखो, आपकी बार देखता हूँ। पकड़ो पकड़ो। अरे मुझे पकड़ के दिखाओगी? 1, 2 एंड 3।